नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विकेट अड्डा पे स्वागत है। अभी आपने स्क्रीन पे देखा कि कैसे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि आपका अगर एग्जामिनेशन 23 फरवरी को है, 24 फरवरी को है, 25 को है, 26 को है, 27 को है, 28 को है, तो आपका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि 22 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक के सभी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अब बच्चे उसके बाद 25, 26, 27, 28, फिर उसके बाद 11 मार्च तक उनका एडमिट कार्ड भी आज जारी किया जाएगा। अभी आज दोपहर तक किया जाएगा, सुबह अभी तो मैंने चेक किया, सुबह सुबह तो अभी तक नहीं आया है, मगर आज आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं साथ साथ कि एग्जामिनेशन आपका 3 शिफ्ट में हो रहा है। जो पहली आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट है, फिर आफ्टरनून की है, फिर इवनिंग की है। मॉर्निंग की शिफ्ट में आपका 9 से 10:30 तक का चल रहा है पेपर। उसके बाद जो आपकी आफ्टरनून की सीट है, शिफ्ट है, उसमें आपका 12:30 से 2 बजे तक एग्जामिनेशन चलेगा। फिर जो शाम की शिफ्ट है, उसमें 4:30 से 5:30 बजे तक एग्जामिनेशन चलेगा। एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको 1.5 घंटा पहले पहुंचना है। अगर मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन 9 से 10:30 की शिफ्ट में है, तो आपको सेंटर पे 7:30 बजे से आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी और 8:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। और ये भी मैं आपको साथ साथ बता दूं कि आपका जो पेपर होगा, पेपर जैसे ही ख़त्म होगा 10:30 बजे, मान लीजिए 10:30 बजे ख़त्म होता है पहले शिफ्ट का, उसके बाद आपको कम से कम 15 मिनट वहाँ और रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो डबल वेरिफिकेशन करा रहा है। जैसे SSC GD में डबल वेरिफिकेशन हुआ था, उसी तरह से वहाँ पर भी डबल वेरिफिकेशन होगा। तो अब जो 24 तारीख तक जिनका एडमिट कार्ड आ गया है, वो तो वेल प्रिपेयर हो जाओ, तैयारी में लग जाओ, एकदम से लग जाओ, पेपर पर करो, हमारी मॉक टेस्ट को बाई कर सकते हो, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मगर जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, वो भी बैठे ना, परेशान ना हो, उनका भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा आज के दिन उनका भी। कल की डेट पे क्या हो रहा था, केवल पहले 22 वालों को स्टार्ट किया, फिर उन्होंने 23 का स्टार्ट किया, फिर 24 का किया। अभी आज के दिन पे भी वो धीरे धीरे डेट किए जितने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाख, मतलब कि फॉर्म किसी का रिजेक्ट नहीं हुआ है। मेन बात यह है कि फॉर्म किसी का रिजेक्ट नहीं हुआ। अगर आपने फोटो सीधी उल्टी किसी तरह से भी अपलोड कर दी गई है, तो फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं हुआ। मैंने आपको पहले भी वीडियो बना के बताया था कि फॉर्म किसी का रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्क्रूटनी होने का चांस ही नहीं है, टाइम ही नहीं है स्क्रूटनी करने का। इतना कम टाइम था उस टाइम में, और साथ ही साथ आपको 11 मार्च तक पेपर चल रहा है, 28 फरवरी से 11 मार्च तक पहुंच गया, और किसी ने तो 23 मार्च भी बता रखा था आप सबको, तो आप लोग उस पर ज़्यादा विश्वास करते हो, हम मुझ पर तो कम ही विश्वास करते हो। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी आपको ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा, एक्टिव हो जाएगा लिंक। मगर अभी आपको ये सोचना है, आपको तो ये तो बता ही दिया गया है ना कि आपका एग्जामिनेशन किस डेट पे होगा, तो अपनी तैयारी को और बेहतर करो ना, उस पे ज़्यादा फोकस करो। ये ना फोकस ज़्यादा सोचो कि यार एडमिट कार्ड होगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, जैसे इनका हुआ है वैसे आपका भी हो जाएगा, और आपका भी 22 तारीख से पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। आज 19 तारीख है, और आज के दिन शाम तक आपके सभी का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है 11 तारीख वालों का कल की डेट पे हो, मगर एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड हो जाएंगे सभी के। तो पैनिक नहीं होना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, धीरे धीरे सबका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। SSC GD की भी आंसर की आ गई है, उसके कट ऑफ पे भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड, और कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेंगे कि आपको रनिंग करनी है कि नहीं है। अब मैं कहूँगा कि रनिंग आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, ज़्यादा कट ऑफ के बारे में उतना नहीं सोचना चाहिए, रनिंग थोड़ी बहुत करते रहो, जब बाकी जब रियल कट ऑफ आएगा तो उसके बारे में हम देख लिया जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।